श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज की सेशन आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंस और उम्दा सेशन है। सभी साथी लोग जल्द से जल्द क्लास में मौजूद हो जाएं ताकि चीज़ों को एक एक क्वेश्चंस को बारीकियत से हम लोग समझ सकें। सभी साथी लोग, आज की सेशन में हम जो बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए कहीं ना कहीं घूम फिर के ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास में जल्द से जल्द मौजूद हो जाएं ताकि हम क्लास को आगे स्टार्ट कर सकें। सभी साथी लोग देखिए, टाइम नहीं होते हुए भी आप लोगों के क्लासेस एक दिन भी मैं गैप नहीं करता, एक दिन भी गैप करने की कोशिश नहीं करता हूं मैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि टाइम पे आप लोग क्लास में मौजूद रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं सभी साथी लोग क्लास में, एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सभी रेडी हैं? एवरीवन रेडी? एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दें अपने अपने सोशल मीडिया पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। आई विश कि आप लोग आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। गुड इवनिंग नीलम, गौरी, सत्या। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नौ पाषाण स्थल नहीं है। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक साइट कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल नहीं है। ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। ब्रह्मगिरी, संगना कल्लू, अरिका मेडू और पिकलीहल। विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। एवरी वन फास्ट कमेंट करते चले क्या आंसर हो जाएगा। विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें से जो नवपाषाण काल के जो स्थल है, ब्रह्मगिरी है, संगन कल्लू है, अरिका मेडू नहीं है, पिकलीहल है। आप एक बार चेक कीजिए। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आई विश कि ये इजिली आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। हड़प्पन साइट है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल रिमेंस है। ये 10 बार ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बताया है, फिर से आप लोग एक बार क्वेश्चंस को देखें, आंसर्स करते चलें। विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ध्यान से, सूची वन को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। मोहनजोदारो, लोथल, कली बंगन एंड सुतके गेंडोर। विच विल बी द करेक्ट आंसर। अगर सुतके गेंडोर के बारे में पूछ रहा है, कालीबंगा के बारे में पूछ रहा है, लोथल के बारे में पूछ रहा है, मोहनजोदारो के बारे में, इसका आंसर सभी साथी लोग फास्ट कमेंट करें। हम मोहनजोदारो के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ा अन्न भंडार मिला है हमारे को, ठीक है, बड़ा अन्न भंडार मिला है। दूसरा है लोथल, ध्यान दीजिएगा, बी इज लोथल। अब लोथल में क्या चीजें हैं, तो लोथल में ईंट गोंदी, ईंट वाला, आप इसमें इंग्लिश में देखिए ना, ब्रिक डॉकयार्ड आपको दिखने को मिला है, ब्रिक डॉकयार्ड, ठीक है, लार्ज ग्रेनरी देखने को मिला है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कलीबंगा में, कलीबंगा इज द सिटाइडल एंड लोअर टाउन, कलीबंगा। नेक्स्ट है सुतके गेंडोर, सिटाइडल एंड लोअर टाउन, फोर्टिफाइड सेटलमेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी वाले कितने लोग हैं, एवरीवन फास्ट कमेंट करके बताएं बी वाले कितने लोग हैं। सभी यहाँ पे नीलम, संतोषी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस काम में सबसे पहले अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद भुगतान का सुझाव दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज फर्स्ट टू बी सजेस्ट पेमेंट ऑफ द कैश टू ऑफिसर एज सैलरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग ध्यान से देखो क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं। निम्नलिखित में से किस काम में सबसे पहले अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद भुगतान का सुझाव दिया गया, कौन सी किताब में। एक है कमांडका नीतिसार, अर्थशास्त्र मनुस्मृति, नीति व्याख्या मृत। विच विल बी द करेक्ट आंसर। सभी लोग फास्ट आंसर्स करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस काम में सबसे पहले अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद भुगतान का सुझाव दिया गया है, तो इसका आप याद रखिएगा राइट आंसर विल बी द अर्थशास्त्र। वेरी गुड निशु,
रवि बहुत बढ़िया, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग करेक्ट हो, एक एक स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट दिख रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर अंकित चिन्ह आमतौर पर अग्र भाग पर राजाओं के नाम मेल खाते हैं। अब बताइए कि ऑन हुज हुज कॉइंस डू सिंबल ऑन दी रिवर्स जनरली मैच विद द नेम ऑफ द किंग ऑन दी ऑफवर्स। मतलब आपसे कह रहा है कि राजाओं के नाम और अंकित चिन्ह से मेल खाता है। अर्जुन नायनस, मैगस, मालव और पंचाल। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है जाकर डेप्थ में दिख रहा है मुझे, ये थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन ही है। सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताइए। इस तरह की जो देखने को मिलता है पंचालाज में देखने को खास तौर से मिला था। पंचाल विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट बी बच्चे, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर वर्क रिलेटेड टू तमिल ग्रामर्स। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा काम तमिल व्याकरण से संबंधित है? सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताइए एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा काम तमिल व्याकरण से संबंधित है? अहा ना नुरु, कुरल, तोलका पियम, पदीरो पत्तू। विच विल बी द करेक्ट आंसर? सर 5 का सी, वेरी गुड वेरी गुड। तमिलनाडु में, चलिए तोलका पियम विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो अशोक के रुम्बनदई स्तंभ अभिलेख या शिलालेख सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। अब ध्यान से देखिए, सही है कौन सा? राजा के धर्म का संदर्भ, कलिंग का विजय का संदर्भ, गांव से दे कर में कमी। बताइए ये क्वेश्चन मैंने बताया है या नहीं बताया? सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चंस पढ़ाया है ना हमने। अब बताइए कि रुम्मनदई, आप रुम्मनदई किससे रिलेटेड है? लुम्बिनी से रिलेटेड है। लुम्बिनी में पैदा कौन हुए थे? तो सभी जानते हैं सर सिद्धार्थ, जिसे आप महात्मा बुद्ध कहते हैं। उनके गांव के लोगों के टैक्स क्या किया गया है? माफ किया गया अपने राज्याभिषेक के 20 से 21वें वर्ष में जाकर। तो अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट बनता है ये? विच विल बी द करेक्ट आंसर? राइट आंसर विल बी द रिडक्शन ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द विलेज। याद कीजिए ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। एवरीवन, शुमाइला, एवरीवन फास्ट कमेंट करके बताइए विच विल बी द करेक्ट आंसर? 6 का सी विल बी द करेक्ट आंसर। संतोषी वर्मन कहाँ दिमाग लगा रहे हो ये बताओ मुझे जरा। रुम्मनदई बोला है, क्या पूछा है? रुम्मनदई पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, रिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम टैक्स ड्यू फ्रॉम दी विलेज। वो इसलिए क्योंकि आस्था का विषय था। रुम्मनदई आपसे पूछ सकता है कहाँ पड़ता है? नेपाल तराई में। कहाँ पड़ता है? नेपाल तराई में। ठीक है, तराई का क्या मतलब होता है? अगर मैं तराई की बात करूं तो तराई बेसिकली क्या होता है वो ध्यान दे, ये अगर पहाड़ वाला रीजन है, ठीक है, ये पहाड़ है, पहाड़ वाले रीजन से जो पानी नीचे की ओर आता हो और हमेशा घुटना भर से ऊपर, बोले तो नीचे से ऊपर पानी सालों भर रहे और रुका हुआ रहे, वो तराई का क्षेत्र होता है। बाढ़ का पानी तो आके बह भी जाता है दोनों तरफ, लेकिन तराई का पानी कुछ समय तक के लिए रहे और पानी हमेशा रहे, वो तराई वाला रीजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। सतकर्णी, नेक्स्ट है बस सती, मिता, शकाज और राथीस, रथिकास। अब बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी फास्ट, एवरीवन, एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, यही बात याद रखिएगा। 1, 2 शकों के बारे में नहीं है, रथिकास के बारे में है। 1, 2, 4 ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो आंसर मार दीजिए जल्दी से। 1, 2, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट। बस इसको मार्क कर लीजिए कि ऐसा आंसर है। सभी लोग, आज मैं आप लोग को बता दूं, बेसिकली छुट्टी पे होने के बावजूद भी क्लास में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, वह इसलिए कि एग्जाम्स करीब है और आप सभी पीजीटी वाले, यूजीसी वाले अच्छे से जानते हैं
हर दिन आप लोगों की क्लासेस कोशिश करता हूं कि मैं कंडक्ट करवाऊं। इतना मेहनत पूरी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं कराता है, ये बात याद रखिएगा। और कोई कराता भी होगा तो उनके अपने पर्सनल सौहार्द भी होंगे, ऐसा बहुत रेयरेस्ट कम देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि कल फ्राइडे एंड सैटरडे को क्लासेस आपकी नहीं होगी हमारे साथ यूट्यूब पे। कोशिश ये रहे कि मंडे को भी क्लासेस, 3 दिन क्लासेस आपकी नहीं होगी, ट्यूजडे से क्लासेस होगा आप लोगों का। आप कोशिश ये करें मैक्स टू मैक्स की क्लास में प्रीवियस क्लासेस सभी अच्छे से देखना, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि आंसर्स करें कौन सा पोर्शन आपका वीक पॉइंट है, वीक पोर्शंस को कवर करने की कोशिश करना सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फॉलोइंग इज अ कॉइन टर्म्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का का सिक्का शब्द है, सिक्का के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, निवर्तना, मर्तुर, द्रम्मा एंड गोचरा। क्या आंसर होगा, विच विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है, और रियलिटी यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान, मैं इतना जानता हूं कि इंसान क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया है, खाली हाथ ही आया, खाली हाथ ही जाएगा। और हकीकत यही है कि जो आज अब मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए और कोशिश करता हूं रात दिन, अपना पढ़ाई, अपना रिसर्च वाला पोर्शन छोड़ छोड़ के एग्जाम के समय में रात दिन लगा हुआ हूँ। आज जितने एप्लीकेशंस पे आज लोग आप लोगों की क्लास, कल आप लोगों के लिए एब्सेंट हूँ, फिर भी मैंने आज क्या किया है कि एप्लीकेशन पे 7 से 9 2 घंटे की क्लासेस में ऑर्गेनाइज किया हूँ। आज 2 घंटे की क्लासेस होगी, आप लोग अपना एप्लीकेशन पे देख लीजिएगा, 7 से 9। बाकी आगे लाइब्रेरी साइंस वाले स्टूडेंट हैं जिनका 9 से 11 मैंने कर दिया, ताकि क्लासेस ऑलमोस्ट जो है कवर हो जाए सिलेबस, ये हमारा टारगेट है। यूजीसी वाले बच्चे आप लोग याद रखना कि यूजीसी के जो बैचेस पुराने हैं उनकी भी ऑलमोस्ट डन कर चुका हूं मैं सिलेबस। जो नए स्टूडेंट है यूजीसी वाले, आई वुड लाइक टू कि मस्ट ज्वाइन इन द क्लासेस, यूजीसी में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, धुआं उड़ा देंगे यूजीसी का, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉइन टर्म्स, तो राइट आंसर विल बी द द्रम्मा, द्रम्मा विल बी द करेक्ट, ये ड्रामा नहीं, द्रम, द्रम विल बी द करेक्ट आंसर। सर आप, बिराद क्या होता है, बिराद एक्चुअली आप वर्ड को थोड़ा सा सही से मुझे पूछिए, वर्ड बिराद बहुत अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं, देखिए वर्ड्स थोड़ा भी इधर उधर होगा आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया है। यहाँ पे तो विराद जैसे कोई शब्द है नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा। Which of the following temples was the constructed of the bricks? Lakshman temple at Khajurao, Lakshmana temple at Sirpur, Lingraj temple at the Bhavneshwar या Bhubaneswar, Bhubaneswar कर लीजिएगा इसे, Bhubaneswar, Martand temple at Kashmir. Which will be the correct answer? Which will be the correct answer? क्या आंसर हो जाएगा सभी लोग? 8 का सी आंसर आया था, 9 का which will be the correct answer? एक बार सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करते चले, एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखना दैट इज द लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर, ये आपका कंस्ट्रक्टेड है किस चीज से, कंप्लीट ब्रिक से। ये क्वेश्चंस कराया हुआ है आपको, याद कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवाया है हमने आप लोगों के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड अ टीचिंग इंस्टीट्यूशन कॉल्ड श्रावस्ती मंदिरा एट अजमेर। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की? ये क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा था, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये सवाल पूछे गए थे। सभी लोग फास्ट आंसर्स करते चलिएगा। विच विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, याद रखना उसी का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया था, 2.5 दिन की झोपड़ी कर दी गई थी। अब आप लोग आंसर्स करें सभी लोग, विच विल बी द करेक्ट आंसर। नीरू दादा, गौरी कहर, क्या बात है, नीतू महतो, सारे लोग
कहते हैं ना कि गजब क्या कि तेरे वादे पे एतबार किया। बहुत बढ़िया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द स्तूपा बिल्ट बाय द शैलेंद्रास लोकेटेड। शैलेंद्र जैसी चीज की बात हो गई, आंसर आपके सामने है, अनुराधापुर, बोरोबुदूर, अंकोर वाट, अंकोर थाम। विच विल बी द करेक्ट आंसर, सभी लोग फास्ट आंसर करते चले, एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर। शैलेंद्र के द्वारा जो स्तूप का निर्माण किया गया वो कहां पे? विच विल बी द करेक्ट आंसर बच्चे, विच विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों को मैंने कमेंट में बोल दिया था, याद होगा आप लोगों को, कि किसी को कोई क्वेरीज हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको मैंने बताया था, मेरा ये इंस्टा आईडी है जावेद डीयू के नाम से, आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं मुझे, और कोई भी अपने क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं आप वहां पे मुझे। एंड विच इज द करेक्ट आंसर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैलेंद्र द्वारा निर्मित स्तूप स्थित है? राइट आंसर विल बी द बोरोबुदूर, विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? वेरी गुड मनीषा, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द टाइटल प्रम सौगात, प्रम सौगात, परम सौगात, बताइए कौन होंगे आंसर? देखो परम सौगात की उपाधि, भास्कर वर्मन, हर्ष, राजवर्धन, शशांक। विच विल बी द करेक्ट आंसर, सभी लोग फास्ट आंसर्स करके बताइए। परम सौगात की उपाधि धारण किसने किया था? सभी लोग विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। परम सौगात की जो है टाइटल किसने लिया था? एवरीवन, विच विल बी द करेक्ट आंसर? सर हर्ष, हर्षवर्धन। एक्चुअली सबसे पहले जो इसका आंसर होना चाहिए बच्चे, आप लोग सभी लोग करेक्ट, ऐसा नहीं कि हर्षवर्धन, लेकिन ऑप्शन में राजवर्धन भी दे दिया। फर्स्ट जो है इस टाइटल को राजवर्धन ने लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर राजवर्धन भी हो सकता है और हर्षवर्धन भी हो सकता है, ये अप टू डिपेंड करता है, बी एंड सी दोनों हो सकता है आंसर, ठीक है, बी और सी दोनों हो सकता है। परम सौगात की जो टाइटल है राजवर्धन ने पहली बार लिया, हर्षवर्धन को भी दिया गया इस टाइटल, चलिए बी एंड सी दोनों आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति पल्लव काल की विशेषता है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित, ये तो आज मुझे ऐसा लगता है जैसे पीजीटी से ज्यादा इजी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपके यूजीसी में, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं आपके यूजीसी का। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति पल्लव काल की विशेषता है? सुमस्कंद, गणेश, नटराज, अनंत शयन। क्या आंसर हो जाएगा पल्लव पीरियड का? Which will be the correct answer, everyone? क्या आंसर हो जाएगा एवरी वन? फास्ट कमेंट करके बताइए जरा, विच इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर विल बी द सुमस्कंदा, विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मूर्ति जो है पल्लव काल का संबंधित है। निशु गलती नहीं बेटा, नटराज इस समय का नहीं है, याद रखिएगा, नटराज चोलास के समय का है। किसके समय का है? चोलास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोड में समझाइए। वो एक विजेता और कवि संगीतकार थे, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्हें वैशाली लिच्छवी दोहित्र भी कहते थे। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल की। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रदर्शन उल्लेख नहीं किया गया, उनके अश्वमेध के प्रदर्शन का उल्लेख नहीं किया गया। देखो भाई, क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखें ना, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि तीन नंबर वाले में कट करके, ये इलाहाबाद स्तंभ में तो है लेकिन उनके कह सकते हो अश्वमेध का प्रदर्शन नहीं है, तो 1, 2 and 4 ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख सकते हो आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर? 1, 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सी वाले सभी लोग करेक्ट हैं, सी वाले सभी स्टूडेंट लोग करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एक तरफ ऑथर है, दूसरी तरफ लिस्ट टाइटल बुक के टाइटल से, ध्यान दीजिएगा, बिलहण, बाण, समेश्वरास एंड विजनेंस वार, ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लीजिए,
विल्हण, बाणा, समेश्वर और विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, हर्षचरित्रा, अभिलाषा, अभिलाषिता, चिंतामणि एंड विक्रमांक देवचरित्र। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि लेखक और कौन सा कुट मिल रहा है। हम स्टार्ट करते हैं किससे, बाण भट्ट से। तो बाण भट्ट ने तो क्या लिखा है, हर्षचरित्र। एक तो क्वेश्चन यहीं पे है कि बी का बी है। अब ऐसा ऑप्शन देखो भाई, बी का टू कहाँ है, बी का टू कहाँ है यहाँ पे। अब बाकी जगह पे तो नहीं, ये शॉर्टकट था। अब इसको देखते हैं, बिल्हण विक्रमांक देवचरित्र लिखा है बिल्हण ने, समेश्वर अभिलाषिता चिंतामणि इनके द्वारा लिखी गई, मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर का, डी का वन। चलो बी विल बी द करेक्ट आंसर, सारे लोग बी वाले करेक्ट हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोल काल के उत्तरा मेरूर विधानसभा के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो यहाँ पे बड़ा ही असेंबली इलेक्शंस, हालांकि उस समय विधानसभा तो नहीं बोलते थे लेकिन था विधान, मतलब सभा ही था। उत्तर मेरूर ऑफ द चोलास पीरियड क्या है, नोट ट्रू, नोट ट्रू, नोट ट्रू। चलिए, रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन फॉर द असेंबली ऑफ द उत्तरा मेरूर ऑफ द चोलास पीरियड, द विलेज वॉज डिवाइडेड इनटू द 30 वार्ड्स, द रिप्रेजेंटेटिव वार्ड टू बी द इलेक्टेड फॉर ईच वार्ड्स, द कंटेस्टेंट शुड बी एज्ड बिटवीन द 30 से 70, दे शुड पॉजिस सम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। क्या आंसर हो सकता है एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर, फास्ट कमेंट करके बताइए। इसमें जो होगा ना, टू रिप्रेजेंटेटिव वर्ड टू बी इलेक्टेड फॉर ईच वार्ड, ऐसा गलत है। बी जो है सुमित वत्स, वेरी गुड, बी विल बी द करेक्ट आंसर, नोट डी, बी वाले सभी सही है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भाई साहब, लंबा चौड़ा है क्वेश्चन। इंडिया हैड मैरीटाइम ट्रेड विद द रोमन एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा, ठीक है। नेक्स्ट है, ए लार्ज नंबर ऑफ रोमन कॉइन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ अरिका मेडू, नहीं ऐसा नहीं है। आपका वन सही है और आर इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर, ए सच है और आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Point out the temples which are situated in the eastern side of India. ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित मंदिरों का उल्लेख कीजिए। अब भारत में मंदिरों का उल्लेख करना है पूर्वी साइड में, क्या है भाई, पूर्वी साइड में उल्लेख कीजिए, सूर्य मंदिर, कोणार्क, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, पद्मा भस्वामी दैट इज कॉल्ड द तिरुवनंतपुरम एंड जगन्नाथपुरी टेम्पल पुरी। अब बताइए विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईस्टर्न साइड में, भारत के यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, भारत के जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है, मुझे मैप तो बनाने नहीं आ रहा है, काइंड ऑफ इस तरह से देख लें, ये ईस्टर्न वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं आप, इधर वो क्या आंसर हो जाएगा, विच विल बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं 18 का आंसर देखूं तो सन टेंपल कोणार्क इधर है और जगन्नाथपुरी टेंपल जो है इस तरफ है, इस टर्न में, तो ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर, ए वाला सभी लोग, नीतू महतो बिल्कुल सही है बच्चे, गौरी, सुमित वत्स सभी लोग, रवि गलती कैसे कर रहा है यार, जगन्नाथ टेंपल और आपका सन टेंपल जो है दोनों अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा एंड बाबरनामा वर रिटन रिस्पेक्टिवली, बहुत इजी क्वेश्चन है, चचनामा एंड बाबरनामा। चचनामा आप सभी जानते हैं अली कूफी के द्वारा लिखी गई थी, अबाउट सिंध, सिंध का वर्णन है इसमें, इसके बारे में वर्णन है सिंध के बारे में। बाबरनामा आप सभी जानते हैं कि बाबर ने तुजुके बाबरी के रूप में टर्किश भाषा में लिखा था पहले, बाद में इसे अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के रूप में किया था। इतना क्लियर है ना सभी को, ये सभी पॉइंट्स याद है, तो अब इसका आंसर कीजिए कि विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। याद होगा कि चचनामा को मैंने बताया है कि अरबी में लिखी गई थी, कौन से भाषा में, अरबी में, और बाबरनामा को टर्किश में, कौन से भाषा में, टर्किश में, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका,
सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर गलती की है ना, ब्लंडर करने की तो आप लोग को आदत हो गई है, लिटरली ब्लंडर करने की बहुत खुशी होता है, सर मेरे से ज्यादा गलती कौन कर सकता है, ये वाला एटीट्यूड आपने बना लिया है, मेरे से ज्यादा गलती कौन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी एक्सेप्टेड द लल्ला डेड एज हिज स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर्स। निम्नलिखित में से सूफी ने लल्ला डेड को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया है, शेख नूरुद्दीन, सैयद सैफुलद्दीन, मीर सैयद अली हमदानी, मीर सैयद मोहम्मद हमादरू। विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर, नूर अल दीन, शेफ अल दीन, अली हमदानी, मोहम्मद हमादरू। विच विल बी द करेक्ट आंसर, राइट आंसर विल बी द शेख नूरुल दीन, नूर अल दीन विल बी द करेक्ट आंसर। ए आप इसका आंसर कर लीजिए, आई थिंक नहीं, शेख बहाउद्दीन जकरिया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई विश कि ये तो मैंने सूफिज्म में पढ़ाया आप लोगों को। जल्दी से आंसर करके बताइए कि विच विल बी द करेक्ट आंसर, शेख बहाउद्दीन जकरिया कौन से सूफिज्म से बिलोंग करते थे, सभी लोग कमेंट करके बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। शेख बहाउद्दीन जकरिया, जकरिया विल बी करेक्ट आंसर, कौन से सूफिज्म से बिलीव करते हैं, ये 21 नंबर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। शेख बहाउद्दीन जकरिया के बारे में मैंने बताया था, ऋषि सिलसिला बिल्कुल भी नहीं, चिश्ती सिलसिला नहीं, फिरदौसिया नहीं, आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर अंतिमा, वेरी गुड। सर सुहरवर्दिया वंश से बहाउद्दीन जकरिया जो है बिलीव करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ द तुर्काने चहलगानी। निम्नलिखित में से कौन तुर्काने चहलगानी का भाग नहीं था, बहाउद्दीन तुगरिल, कुतलुग खान, इमादुद्दीन पठान, बलबन। विच वन इज करेक्ट आंसर, देखिए बहाउद्दीन तुगरिल वाज द मेंबर ऑफ तुर्काने चहलगानी, कुतलुग खान वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द तुर्काने चहलगानी, इमादुद्दीन पठान वाज नॉट, बलबन भी था लास्ट में, ये भी बन गया था। तो आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 का डी नहीं बच्चे, 22 का सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है, मैसूर की उस कवित्री का नाम बताइए जिसने अभी कीर्ति हदी दय धर्म पवित्र और समर्पित पत्नियों के लिए सिद्धांत में महिलाओं को पुरुष से हीन समझे जाने का विरोध किया था। नेम द पोएट्रेस ऑफ मैसूर हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वुमेन being considered as inferior to the men in her work. Hadi Bade Dharma, tenants for the chaste and the devotee wives of Thiru Malamma, Sanchi Honamma, Lal Ded or Janabai. Which is the correct answer? देखो Sanchi Honamma will be the correct answer. B इसका answer हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ मुझे पता है इसमें से कुछ के नाम ही नहीं सुने होंगे, लेकिन ये वाला नाम जो है धर्मा वाला हदी बदिया, इनका पंथ भी चलता है, छोटे से लेवल पे पंथ है। नेक्स्ट है, द फोर रनर ऑफ द फेमस बुलबोस डोम्स ऑफ द मुगल इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर स्टाइल। मुगल के प्रसिद्ध बल्ब नुमा गुंबद के पूर्ववर्ती श्रेय निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली को जाता है। ओके, बल्ब नुमा इस काइंड ऑफ, इस तरह के जो है, ये कहना चाहते हैं इस तरह के जो है, चलिए फास्ट आंसर करके बताइए जरा विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर एवरीवन। अभी तक 24 का मेरे पास आंसर्स जो आ रहे हैं वो बी आ रहे हैं आंसर, और भी लोग करें, याद रखना यहाँ पे बल्ब नुमा की बात करें, वीदर विल बी द करेक्ट आंसर, ए वाले सभी लोग, गौरी कहार, रवि, बहुत सही बच्चे, ए विल बी द करेक्ट आंसर बीदर। गोलकुंडा की बीजापुर नहीं है, बीजापुर वाला, ये बीदर विल बी द करेक्ट आंसर। मिफ्ताउल फुतू, तारीख सलातीन अफगानी, सियासत नामा और जफरनामा,
चलिए कमेंट करके बताइए, और इसके राइटर में से कौन है, सभी लोग फास्ट एवरीवन, और कौन सा जो है मैच सही कर रहा है, विच वन इज करेक्ट आंसर। मिफ्ताहुल फुतुह, अमीर खुसरो, नहीं सर, अमीर खुसरो नहीं सर, तारीख सलातीन अफगानी, ख्वाजा नियामतुल्ला हरवी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सियासत नामा, नेक्स्ट इज द सियासत नामा, निजामुल मुल्क तुसी नहीं, जफरनामा यह सर हिंदी। आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी सही है और डी सही है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बी एंड डी वाला ऑप्शन है क्या कहीं पे? बी एंड डी है ना ऑप्शन, ए है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आज कितना आप लोगों का स्कोर हुआ कमेंट करके बताइए जरा, कितना स्कोरिंग रहा आप लोगों का आज, विच इज द करेक्ट आंसर बच्चे, कितना स्कोर रहा आप लोगों का। कई स्टूडेंट बीच बीच में पूछते रहते हैं कि यूजीसी नेट का सर जो है रेट क्या है, प्राइसेस क्या है, आप लोगों को मैं बता दूं और आप लोग को जानने की जरूरत भी है कि ये बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप सभी बेसिकली इस तरह से आप जा सकते हैं, कोड ऑलरेडी आप लोग को पता है, कोड की तरफ आप जाके देख सकते हैं बेसिकली। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोड का इस्तेमाल करके आप यूजीसी के बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि क्लासेस ऑलरेडी चल गए, उनको आप बता सकते हैं, कोड यहाँ पे ऑफर कोड है, ऑफर कोड आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, Y628 इस्तेमाल करके आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। सर दो रॉन्ग दो नहीं किए हैं, ओके बहुत बढ़िया है स्कोर आप लोगों का, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आज की क्लास में यहीं पर स्थगित करता हूँ, और कैसा लगता है क्लास जरूर कमेंट करके आप लोग बताएं ताकि क्लासेस को कंटिन्यू रख सकूं मैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे क्लास के बारे में जो है लोगों से शेयर करें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। आप लोगों की क्लासेस जो है अब सीधे जो है ट्यूसडे को क्लासेस होगी हमारे साथ, तब तक के लिए बने रहे, और बीच बीच में क्लासेस मैं कंटिन्यू करवा दूंगा आप लोगों के लिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोग अपडेट रहें। जी बेटा जी, मैं स्कॉलर हूँ सर। सर एक क्वेश्चन है, बिद्र कौन सा टेक्स था? आप क्लास में पूछ लीजिएगा मुझे, चोला में, ठीक है, आप मुझे क्लास में पूछ लीजिएगा, सत्या मुद्गल, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर। आज की सेशन में इतना ही पर रखता हूँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज कराऊंगा मैं क्लास, लेकिन 4 बजे 3 बजे आप लोग क्लास आकर जो है टीचर्स अड्डा पे और